आप सबों को सबसे पहले तो आज हुल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1855 संथाल हुल लोगों के जल जंगल जमीन की रक्षा, सामंतवाद और जो फांसीवाद था उसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई। सिद्धू कानू, फूलो झानो माखी, चांद भैरव, और हमको लगता है कि आज 1855 की जो स्थितियां थी वो स्थितियां आज ज्यादा प्रासंगिक है। आज पुनः हुल के लिए 2024 एक मौका रहेगा, जब सिद्धू कानू का, चांद भैरव का, फूलो झानो माखी का जो हुल की जो सिद्धांत थी उस सिद्धांत को लेकर इस देश के संविधान, इस देश की प्रजातंत्र, इस देश के जो अधिकार है लोगों के, आज उसको बचाने की जरूरत है। और हमको लगता है कि 2024 का जब 30 जून आएगा तो जो प्रण लिए थे उस समय के हमारे मनीषी लोग, उसी प्रण को शायद हम लोग पूरा कर पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। दादा, एक सवाल है, बैठक जो है महागठबंधन की शिमला से बेंगलुरु शिफ्ट हो गया है, क्या कारण है? आपको मालूम ही है कि अभी बरसात का मौसम और शिमला में जो मौसम है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है पहाड़ों की वादियों में, तो लोगों के आने जाने में भी असुविधाएं होती है। बेंगलुरु उससे कंपेरेटिवली सुटेबल जगह है। जगह कोई भी हो, नियत और उसूल सबकी साफ है। बीजेपी बोल रही है कि इटली में बैठक होगा अगला। अब मोदी जी जाके यदि अमेरिका में बैठक कर सकते हैं, हाउडी क्या बोले थे, हाउडी मोदी, तो हम लोग तो पूरे ब्रह्मांड में चांद में जाके करेंगे, उसमें क्या दादा? यूसीसी वो जेएमएम कैसे देखती है, चर्चा चल रही है। देखिए, ये एक चुनावी मुद्दा है यूसीसी। आप समान नागरिक संहिता क्यों, समान मजदूर संहिता क्यों नहीं होगा, समान किसान संहिता क्यों नहीं होगा? जब समानता लाना है, इन्होंने तो कहा था वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी में कितने स्लैब्स है, तो ये इनकी बातें जो है ना वो लोगों के अंदर में भ्रम और विभाजन की। देखिए, हुल दिवस है 30 जून को 1855 को सिद्धू कानू, चांद भैरव और सभी लोगों ने हजारों हजार की संख्या में इकट्ठा होकर के ये संकल्प लिया था कि देश को हम आज़ाद कराएंगे, जो जिस तरह से अंग्रेजों का अत्याचार था उसको लेकर के देश की आज़ादी चाहते थे। आज़ाद इन महान विभूतियों ने कराया है देश को। अब देश की आज़ादी को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। उस नियत से हम लोग यहाँ संकल्प लेते हैं कि जो देश में फूट डालो और राज करो, जो अंग्रेजों की नीति थी उसके तहत जो शासन चल रहा है, वैसे शासन को हम लोग संगठित होकर के, एकत्रित होकर के उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज हमने संकल्प लिया है और झामुमो के साथियों ने, तो निश्चित रूप से आने वाला समय देश के लिए सुखद और सुखमय होगा। अध्यक्ष जी, अब तो यूसीसी की बात चल रही है, हालांकि कई आदिवासी संगठनों ने इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया है, इस पर क्या है? नहीं, मणिपुर की बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बात करते? जब आप मध्य प्रदेश गए हैं तो जो वहाँ 50% भ्रष्टाचार कमीशन लिया जा रहा है उसकी बात आप नहीं करते हैं। आप हमेशा लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। 9 साल हो गए, 9 साल से आप क्या कर रहे थे? जब चुनाव आता है तो आपको यूसीसी याद आता है, तो हम समझते हैं ये राजनीति का एक हिस्सा है और ध्रुवीकरण का एक मामला है। वो देखते हैं प्रधानमंत्री जी को इस बार कितना भारी पड़ता है, मर्यादित तरीके से उनको एक्ट करना होगा। ऐसे लोगों को हनुमान जी चलता करेंगे। भूखंड के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जल जंगल जमीन में जमीन के संदर्भ में ईस्ट इंडिया तत्कालीन कंपनी और उनके नेतृत्वकर्ताओं के अंग्रेजों के खिलाफ में भारत के सबसे बड़े आंदोलन में से एक हुल आंदोलन और उनके नेता
सिद्धू कानू, चांद भैरव, इन सभी के नेतृत्व में लड़ा गया। ये लड़ाई आज हुल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज सिद्धू कानू के आदमकद मूर्ति में माल्यार्पण किया और माल्यार्पण के बाद उस उद्देश्य को इस राज्य के और इस देश के लोगों के बीच में आत्मसात करने का, लड़ाई के उद्देश्य को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करके मैं हमेशा इस लड़ाई को बड़ा प्लेटफॉर्म में ले जाना चाहता हूँ। कुछ दिनों में निश्चित रूप से थोड़ी गति आई है, लोगों का अट्रैक्शन इस लड़ाई के संदर्भ में हुआ है, लेकिन 10,000 गांव, 10,000 लोग जहां एक साथ एक आंदोलन में लड़े, शहादत दी, ये लड़ाई को भारत के पटल पर हर लोगों के हर इतिहास के इस पन्नों को निकाल कर लोगों के बीच में रखना और लड़ाई के वर्तमान भारत और भारत के जो अभी हालात हैं, इस हालात के साथ समन्वय स्थापित करने का तैयारी करना चाहिए। मैंने देखा कि कोलकाता के रिसर्च सेंटर से उस समय के लड़ाई के 10 ऐसे लीडर्स के नाम भी आज डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें कई लोग, कई समाज संगठित रूप से उस लड़ाई में शामिल है, ये स्पष्ट होता है। इनको बराबर की मान्यता देना और साथ ही साथ शेष लोगों के लिए भी एक राज्य स्तर पर, खासकर राज्य सरकार का बड़ा दायित्व है, शोध टीम तैयार करना, ताकि इतने अरसे के बाद 10 ऐसे लोगों को सरकार चिन्हित कर पाई है, नाम सामने आ पाया है। इस तरह से और सैकड़ों लोग होंगे, सैकड़ों स्वतंत्र संग्रामी होंगे जिनके नाम अभी आना बाकी है। तो सरकार को इसमें शोध करते हुए, अपनी विशेष टीम बनाते हुए, शोध करते हुए इनके जितने भी लेख उस समय के जितने भी रहे होंगे, जो भी आधार होंगे, उन आधारों को सामने लाते हुए सबसे पहले कि राज्य को राज्य पटल पर लाना चाहिए और ताकि देश का एक संपत्ति के रूप में इन धरोहरों को, नेतृत्वकर्ताओं को धरोहर के रूप में स्थापित किया जा सके। दादा, जो सिद्धू कानू का संघर्ष रहा जल जंगल जमीन को लेकर, आज से 165 साल बाद भी वही स्थिति है, जमीनों की लूट यहाँ भी बेधड़क। आज मैंने देखा उसकी सातवीं पीढ़ी, अभी 7 दिन पहले मुख्यमंत्री को आवेदन देती है अपनी आजीविका के लिए। मैंने ये, इससे बड़ा और क्या विषय हो सकता है? जिस परिवार को राजकीय सम्मान मिलना चाहिए, जिस परिवार को राजकीय अतिथि के रूप में स्थापित होना चाहिए, जिस परिवार को चिन्हितीकरण करके आज तक पूरा काम होना चाहिए, जिस परिवार को लेकर, उनके शहादत को लेकर राजनीति तो बनी, लोग शीर्ष पर आए, सत्ता शीर्ष पर बैठे, लंबे समय तक देश राज में सत्ता के शीर्ष पर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी उसकी सातवीं पाँचवीं पीढ़ी की जो सबसे 75 साल की जो माँ है, उन्होंने अपील किया है कि आजीविका का आधार तय किया जाए, रहने के घर उपलब्ध कराए जाए और परिवार के लोगों को सीधी नियुक्ति दी जाए, ऐसी मांग की जाती है परिवार से, जो आज प्रत्यक्ष रूप से आया है, लोगों ने डिमांड की है। मुझे देखिए, मुख्यमंत्री जी को थोड़ी भी वेदना है, थोड़ा भी इससे अगर अपने को संबंध रखते हैं, वोट से अलग हटकर इस इतिहास से खुद को अगर जोड़ के थोड़ा भी रखते हैं दायित्व के आधार पर, तो निश्चित रूप से इसका समाधान करके आएंगे आज। अभी इसको पूरे पटल पर आने दो, एक बहस प्रारंभ हुआ है, तो इस पे हम लोग इसको देख रहे हैं और देखने के बाद दलीय राय जो होगा हम स्पष्ट करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।